उनको ऐसे सुला सकते हो उसमें लेकर के। ये हमें भैया दिखा रहे हैं किस तरीके से इसमें लिया जा सकता है, और ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ऐसे। लेना है? कितने का है भैया? सो अ वेरी गुड इवनिंग पिस्तास एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यस, अभी हो रही है इवनिंग और हम जा रहे हैं, जो बहुत टाइम से डिसाइडेड था लेकिन कुछ ना कुछ, मेरे को कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था तो कभी मम्मी का कुछ हो जा रहा था, लेकिन फाइनली आज हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी के। जो भी ठंड के कपड़े रह गए हैं या फिर आने वाले ओकेजन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ ही ले आएंगे आज हमें, जो भी उनकी छोटी मोटी सी चीज़ें जो है वो मिसिंग हो रही है तो सब कुछ ले आएंगे। एंड मैं भी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए बिल्कुल स्वेटर वेटर पहन के रेडी, क्योंकि बाहर हो रही है ठंड और घर पे तो मुझे अभी वैसे गर्मी लग रही है स्वेटर में, लेकिन मुझे पता है कि बाहर ठंड होगी तो बस चलो चलते हैं। और क्या, मार्केट में तो आ चुके हैं लेकिन अभी शॉप थोड़ी सी दूर है जहाँ से हम बेसिकली कपड़े खरीदते हैं अपने लड्डू गोपाल के, और हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हम उनके लिए बेसिकली कपड़े खरीदेंगे। कपड़े खरीदने हैं और मैंने आपको बताई है कि बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है जो कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो कौन सी वाली शॉप से लेते हैं? उनके लिए भी देख लेना, मतलब जो उसके लिए चाहिए क्रिसमस के लिए। ये देखो श्याम बाबा पे जैसे पहनाए हो इसी टाइप का कुछ देख लेना। ये वाले कितने अच्छे लग रहे हैं ना ग्रीन ड्रेस में, और ये आप देखो कि पूरे के पूरे ही इनके ना ऐसे आ चुके हैं, विंटर्स का पूरा कलेक्शन गिर चुका है लड्डू गोपाल का भी मार्केट में, और बस हर तरफ उन्हीं का कलेक्शन है। पर विंटर्स मतलब समर्स का तो रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली। हमने पूछा क्रिसमस के लिए उनकी ड्रेस लड्डू गोपाल की, तो इन्होंने कहा कि फ्राइडे को आ पाएगी, तो ब्लैंकेट देख लेते हैं और भी जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं, वो फ्राइडे को ही अब आएंगे क्योंकि क्रिसमस के लिए ड्रेस तो चाहिए ही उनके। ब्लैक में तो लो मत, ब्लैक अच्छी नहीं होगी। ऐसे उसको बोलना बेटे को समझा दे, ये कलर ये नहीं बेटर लग रहा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मैं ये देखो कलर ऐसा रहता अच्छा। आप बताओ पिस्तास, आप कौन सी अच्छी लग रही है? वैसे हम ले तो पहले ही जाएंगे लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में बता देना कि आपको कौन सी वाली ब्लैंकेट अच्छी लगी थी, ये वाली या ये वाली, और कोई नहीं है। अभी फिर इन्होंने ये दिखाई है एक डिफरेंट वैरायटी, एक ये और एक ये, मतलब ऐसे कर लेते हैं ना कि ज्यादा जब ठंडी रहेगी तो ये करेंगे। एक ले लो बड़ा भी है, एक ले लो पक्का। आपको एक कलर बेटर नहीं लग रहा, मतलब लाइट सा कलर है ऐसे इसमें खूब रहेंगे अपन, मजे 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 में क्या साड़ी पहन के घूमेंगे, मतलब आराम से। चलो ठीक है फिर, ये और एक ये। बांसुरी बहुत तोड़ते हैं ये, मतलब लगता है साल में 4-5 खरीदते होंगे बांसुरी तोड़ देते हैं, इयरिंग्स भी निकाल निकाल के फेंक देते हैं, तो बांसुरी और इयरिंग्स देख मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेना, ज़्यादा छोटी भी मत लेना। पिछली वाली बहुत छोटी थी, उससे पीछे वाली जो थी वो बहुत बड़ी थी। वैसे देखो जो आप भी पहना सको, क्योंकि फिर आपको पहनाने में दिक्कत आती। मम्मी को और मेरे को दोनों को ही ये वाली पसंद आ रही है, मतलब काफ़ी क्यूट प्यारी सी छोटी सी है और अच्छी भी, आसान भी होगी मम्मी को पहनाने में, बस इसको टक करने वाला। एक ये है ना, मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा देखो फिर। अरे नहीं अच्छा है देखो तो। हमने इयररिंग्स देख ली है और अब बारी है बांसुरी की, क्योंकि उनकी बांसुरी जो है मैंने आपको बताएंगे कितनी ज़्यादा बांसुरी तोड़ते रहते हैं वो, मतलब ज्यादा बड़ी भी मत देखना और ज्यादा छोटी भी मत देखना। ये देखो पिस्तास, जैसे न्यू बॉर्न का होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं इस ड्रेस को, ये वही वाली ड्रेस है। मैं सोच रही हूँ मेरे बिल्ली के बच्चे होंगे उसके लिए ले जाऊंगी, क्योंकि हमारे लड्डू तो छोटे से है, उनको ऐसे सुला सकते हो उसमें लेकर के। ये हमें भैया दिखा रहे हैं किस तरीके से इसमें लिया जा सकता है, और ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ऐसे। लेना है? कितने का है भैया?
दाने वाले आते हैं चंदन है क्या आपके पास? कौन सा? जो दाने दाने होते हैं सूखा? हाँ सूखा दिखाओ आप पहले। और हम आए थे लड्डू के कपड़े खरीदने के लिए, तो थोड़ा खुद के लिए भी कुछ देख ही लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे पता है बहुत टाइम से मुझे चाहिए था गजरा, जो पूछ लो प्राइसेस, और मुझे फाइनली मिल गया। और ये मैं दोनों में से एक पिक कर रही थी, लेकिन मुझे मतलब दोनों ही पसंद आ गए तो मैंने दोनों ही ले लिया। और यहाँ पे बहुत सारे इयररिंग्स भी हैं, सिल्वर इयररिंग्स देख लो। अब मैं बहुत टाइम से बल्क में सिल्वर ज्वेलरीज खरीदना चाहती हूँ, और यहाँ पे मतलब कि मुझे जहाँ पे भी सिल्वर ज्वेलरीज देखती है ना, मैं बस देखने लग जाती हूँ और एक दो ले ही लेती हूँ। और यहाँ पे तो खैर सब कुछ कलरफुल ज़्यादा है, सिल्वर की वैरायटी बहुत कम है। एक्चुअली लोकल मार्केट्स में आपको सिल्वर ज्वेलरी की वैरायटी ज़्यादा मिल पाती है यहाँ पे। एक्चुअली पता है मेरे पास अभी एथनिक के लिए तो सफिशियंट अमाउंट में है, वेस्टर्न के लिए चाहिए तो उसके लिए कुछ देख लेते हैं। और कार्तिक का बर्थडे भी आने वाला है, तो मैंने मम्मी को बोला एक इयरिंग तो ले ही लेते हैं क्योंकि चाहिए होगा बिल्कुल रिसेंट में इसी मंथ। ये वाला मुझे सही लगा, आपको भी अच्छा लग रहा है ये वाला? मतलब एक पहले ट्राई किया था वो तो अजीब सा लग रहा था। एक खूही लेके घूमेगी कौन सा? मेरे लायक तो कोई अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मिनी बैग का तो खैर फैशन है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटे हो जाएंगे मेरे लिए। बड़ा होता होगा ना? बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा हो गया। कैसा लग रहा है? प्राइस क्या है इसका? वी आर बैक फ्रॉम दी शॉपिंग। और पता है क्या, लास्ट में जो मैंने बैग देखा ना, वो प्राइस उन्होंने सबसे पहले तो अनरीजनेबल बताया। उसकी जो क्वालिटी थी ना, वो सरोजनी के 100 रुपए वाले पर्स वाली क्वालिटी थी, एंड डैट भैया वॉज लाइक इतना। और पता है क्या, अगर आप थोड़ा सा स्वीटली बोलो ना तो ठीक है, आप कोई बात नहीं दे भी देते हो, लेकिन हाँ वैसे तो मेरी मम्मी स्वीटली बोले या मिर्ची डाल के बोले कैसे भी नहीं लेने देगी अगर प्राइस अनरीजनेबल वो चार्ज करे तो। लेकिन हाँ, वो जो दूसरे वाले शॉपकीपर थे, ही वॉज लाइक कि यू कांट यूज कैमराज, मतलब कि यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं है। मैंने कहा शूटिंग तो ऐसे कर रहे हो ना जैसे पता नहीं मैं कौन सा एकदम 1.5 लाख का लेंस लेकर के कैमरा ठोक रही हूँ तुम्हारे और शॉप में। मैंने कहा वट एवर, फिर हम लोग वहां से आ गए और इसलिए नहीं लिया। और वैसे भी नहीं लेते यार, वो बहुत ही थर्ड क्लास सा था वो। मुझे सबसे अपनी फेवरेट चीज लगी ये। एक्चुअली पता है क्या, मैं बोल रही थी ना मम्मी को कि आसान है इस गजरे को लगाना, जो कि ऐसा है कुछ, इसको बस ऐसे टाई अप कर लो, मतलब जस्ट लाइक अ रबर बैंड अपने जूड़े में, और यू आर गुड टू गो। लेकिन ये वाली ऐसी चीज है ना कि मुझे मतलब कि कुछ, मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी है लोगों की, इन्फ्लुएंसर्स की, वो इसको यूज करते हैं मतलब अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग ओकेजन्स के लिए, अलग टाइप का गजरा। तो मतलब मुझे दोनों ही पसंद आ रहा था, देन मम्मी ने कहा कि अब दोनों ही ले ले अगर तेरे को दोनों पसंद है तो। और हाँ, वो पता है इयररिंग वाली चीज, वो इयररिंग भी मैं नहीं ले पाई क्योंकि उन भैया ने कुछ नहीं था उस इयररिंग में, मतलब बस वो ठीक लग रहा था। और ठीक लगने के लिए ना, मैं सॉरी अनरीजनेबल एक वर्ड होता है, लेकिन अनरीजनेबल का अल्ट्रा मैक्स प्रो अगर आप चार्ज करोगे ना तो सॉरी वी आर नॉट बेवकूफ, हमने नहीं लिया उसको, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल रहे थे 450। मतलब 450 का तो देखो यार कहीं से नहीं था। मेरा खुद का जो बर्थडे का इयररिंग था ना, वो इतना प्रिटी सा है और उसमें वर्क भी थोड़ा सा किया हुआ है, लेकिन वही आई थिंक 350 उन्होंने बोला था, देन उन्होंने 250 में फिर मेरे को दे दिया था। तो मुझे लगा कि नहीं ब्रो सॉरी, कोई बात नहीं, हम कहीं और से। और मैं सच में लोकल मार्केट जाऊंगी और वहां से मैं बल्क में ज्वेलरीज पसंद करूंगी। बस ये मेरा, कल मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है अपना आखिरी थ्योरी का, वो मैं सबमिट करके आ जाती हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा तो हम जाएंगे पक्का। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या लिया। वैसे तो हम फ्राइडे को फिर से जाने वाले हैं, जो चीजें रह गई हैं वो लाने के लिए, लेकिन मतलब बहुत सारी चीजें मिल गई थी। तो एक सेकेंड, हाँ मैं इसको खोल, और ये फट नहीं रहा, इसको फाड़ी देते हैं।
सीरियसली आयरनी फट मेरा फाड़ी देते हैं। ये उनका चंदन है जो कि हमें 3-4 शॉप ढूंढने के बाद मिला। मैंने आपको बताया था कि उनके जो स्किन है वो अगर हम वैसे जो नॉर्मल चंदन आता है गीला वाला या फिर सूखा वाला है रेड कलर का उसे खराब हो जाती है, मतलब येलो वाला भी वैसे खराब हो जाती है, लेकिन ये नेचुरल टाइप का चंदन होता है। स्पेशल श्री धाम टाइप का इसका नाम है। अगर आप भी चाहो, आपके लड्डू गोपाल के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी स्किन खराब हो जा रही है यहाँ पे, तो आप भी ये चंदन जो है स्विच करके देख सकते हो। सच में बहुत अच्छा होता है, इसको थोड़ा सा गीला करके बस लगाना होता है और उनको भी ये बहुत पसंद आता है। और ये उनका जो ब्लैंकेट हमने लिया था वो है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही, मेरा गजरा। ये मम्मी ने कुछ रुइयां ली है, मतलब बत्ती लगाने के लिए, क्योंकि सही है एक ही साथ खरीद लो। और ये वो है जो भैया दिखा रहे थे उनको ऐसे ले करके गोद में, आपने देखा ही था, ये खुलेगा कहाँ से, ये ऐसे है। इसमें हम उनको सोच रहे कि जब बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, मतलब कि अभी इतनी ज्यादा ठंड तो नहीं है, अभी आई थिंक इसके लायक ही ठंड है, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड होगी ना तो इसमें उनको लिटा करके और फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट रख देंगे, तो ये फिर उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और इसमें यार ये बहुत क्यूट है, इसमें कभी मैं लेकर के उनको ऐसे ऐसे घुमा करूंगी। और ये वो है सॉक्स उनके, मतलब ये 2 पेयर्स है, एक दो ऑफ व्हाइट में, मतलब एक पेयर ऑफ व्हाइट में है और एक रेड कलर में है, तो ये भी काफी क्यूट, मतलब ये तो क्यूटेस्ट चीज हो गई। और ये उनकी बांसुरी जो कि बहुत ही प्यारी है, और मुझे पता है कि प्यारी है इसीलिए वो 2-3 महीने बाद तोड़ देंगे फिर से ताकि नई प्यारी आ पाए। और ये पहली इयररिंग है जो हमने पसंद की थी जो कि बहुत ही प्यारी है, मुझे सबसे अच्छी लगी थी। और ये दूसरी वाली इयररिंग जो मम्मी ने पसंद की है ये भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ ये है कि इसका लॉक मुझे खुद करना पड़ेगा, वो खुद नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसे प्रॉब्लम आती है। बस इतना ही था, खत्म हो गया। और क्या हम हॉल दिखाए उनके कि स्वेटर्स देखो, ट्रैक सूट लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं, वो घूमने फिरने कहीं नहीं जाते हैं, और उनके बहुत सारे स्वेटर्स थे। और मम्मी उनके लिए पता ही क्या करती है, स्वेटर्स ना उनको मम्मी को खुद ही हाथों से बनाने पसंद है, तो वो लाएगी उनके गोले और खुद बैठ करके बनाएगी और फिर कहेगी कि मेरी गर्दन में दर्द हो गया, हर साल ऐसे ही होता है। तो ठीक है पीसास, आप करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और कल का जो वीडियो है वो मिस मत करना, क्योंकि कल जो है वो विंटर हॉल आने वाला है पार्ट 2। तो कल आपको मिलने वाला है विंटर हॉल पार्ट 2, जिसको आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारे के सारे ऑर्डर्स मुझे रिसीव हो चुके हैं लास्ट नाइट ही। तो ठीक है फिर, इसी के साथ चलो, बाय बाय, टेक केयर।